सिंगरौली जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वे एक के बाद एक बड़ी ही निडरता से घटना को अंजाम देते जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। एक ताजा मामला सिंगरौली के तियरा गांव का है। यहां दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला बोल दिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी और बैढ़न जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घायल को मेडिकल के बाद वंदना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं बैढ़न कोतवाली पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार घटना शासन पुलिस चौकी के ग्राम तियरा क्षेत्र की है, जहां घायल आदित्य तिवारी ने बताया कि पूर्वजों की जमीन है और उन्होंने अपने हिस्से की जमीन में मकान बनाया, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अब जब छत ढलाई कराने का समय आया तो परिवार के ही चार बदमाशों ने धावा बोल दिया है। आरोपी रोहिणी तिवारी, प्रवीण तिवारी, राकेश तिवारी, राधिका तिवारी ने इन चारों बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, धारदार कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर लहूलुहान कर दिया, फिर वहां से फरार हो गए। परिजनों ने घायल को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया तो कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तो मकान हमारा ढल रहा था वहाँ पे, हाँ ढलवाकर के हम घर आ रहे थे, हाँ तो बाहर जो है निकले तो प्रवीण और राधिका एक वो मिलकर के पकड़ लिए। राकेश, प्रवीण और राधिका एक कौन है आपके, क्या मामला था? कोई मामला इन जमीनी विवाद का था। अच्छा, आपसी मकान नहीं ढलने के मूड में थे वो लोग। रिपोर्टर उपेंद्र दुबे, VSRS न्यूज, सिंगरौली।